स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़ने के बाद नगर निगम में राजनीति तेज हो गई है। स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़ने के बाद नाराज भाजपा पार्षद दल ने सोमवार को नगर निगम मुख्यालय का घेराव किया। उन्होंने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही निगम कमिश्नर और मेयर के साठ गांठ के चलते इस तरह का पार्षदों से व्यवहार करने का आरोप लगाया है। निगम आयुक्त रजत बंसल ने भले ही जोन स्वास्थ्य अफसरों की बैठक लेकर उन्हें सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इन्होंने शिद्दत से काम नहीं किया। भाजपा पार्षदों की माने तो केंद्रीय टीम रायपुर की सफाई व्यवस्था देखने आने वाली है। इसे लेकर जनप्रतिनिधियों से निगम अफसरों को सहयोग लेना चाहिए, सुझाव लेना चाहिए। अगर वे इस तरह करेंगे तो पिछड़ना तो तय है। देखिए, हिंदुस्तान की सरकार ने पूरे देश में स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए आम जनता को एक स्वच्छता सर्वेक्षण का एक कार्यक्रम चालू किया। प्रथम सर्वेक्षण 2016 में हुआ, उसमें हम 59वें रैंक पे आए। 2017 के स्वच्छता सर्वेक्षण में हम 129वें नंबर में आए, और आज जब स्वच्छता सर्वेक्षण का 2018 का जब परिणाम आया तो हम 10 अंक पिछड़ कर 139वें क्रम में आ गए। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि नगर निगम में स्वच्छता का काम चल रहा है वो सिर्फ कागजों में चल रहा है, धरातल में कोई हम काम नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपये विज्ञापन में खर्चा कर रहे हैं, फ्लेक्स होर्डिंग में खर्चा कर रहे हैं, बंद कमरे में बैठ के हम सफाई की रणनीति बना रहे हैं, और जब केंद्रीय स्वच्छता की टीम आती है तब हम दो पालियों में लगकर पूरे जोन के अमले को फील्ड में भेजकर हम सफाई की बात करते हैं, जिसका परिणाम हमको देखने में मिला कि आज हम 129 से फिसल कर 39वें नंबर में आ गए हैं। ये इस बात का परिणाम है, जब तक कि आप जनप्रतिनिधियों को समाहित नहीं करेंगे, और जनप्रतिनिधियों को समाहित करेंगे जनता जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस योजना में जुड़ेगी, और जब तक जनता हमारे स्वच्छता के मामले में हमारे साथ नहीं जुड़ेगी ये बेईमानी होगी। स्वच्छता सर्वेक्षण हमको सर्वप्रथम जनता को जागरूक करना है, उनको हमारे साथ जोड़ के जब तक हम सफाई व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे हम स्वच्छता के अच्छे रैंक पे नहीं आ पाएंगे। लेकिन नगर निगम के महापौर, नगर निगम के पूरे अधिकारीगण बंद कमरे में बैठकर योजना बनाते हैं और योजनाओं को खाली अमली जामा पहनाने का प्रयास करते हैं, धरातल में कभी भी जाकर उन्होंने काम करने का प्रयास नहीं किया, जिसके कारण हम लगातार स्वच्छता के रैंक में पिछड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे नगर निगम, चाहे अंबिकापुर हो चाहे जगदलपुर हो, दुर्ग हो, हमसे आगे रैंक में आ रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि छोटे नगर निगम बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। हम राजधानी का महानगर के नगर निगम होने के बाद हम जिस तरह से पिछड़ रहे हैं इस बात का प्रमाण है कि इस नगर निगम में महापौर अपने प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पा रहे, अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम हमको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। आज हमने इसी लेकर भाजपा पार्षद दल ने महापौर का घेराव और नगर निगम आयुक्त के घेराव का कार्यक्रम रखा है। महापौर को पहले अपने गिरेबान में जाकर देखना चाहिए। जब नगर निगम रायपुर में जब वार्डों की स्वच्छता रैंकिंग हुई थी उस समय सारे MIC के मेंबरों ने, विपक्ष के सारे पार्षदों ने जाकर प्रथम स्थान आने वाले वार्ड के ऊपर आपत्ति दर्ज कराई थी कि यह वार्ड प्रथम नहीं आ सकता, इसकी आप एक बार फिर से जांच करें। उसकी जांच क्या हुई, उसकी रिपोर्ट आज तक के नगर निगम के अधिकारी और महापौर ने 70 पार्षदों को नहीं बताई, तो वो किस मुंह से बात कर रहे हैं केंद्रीय टीम के ऊपर कि उन्होंने ठीक से सर्वेक्षण नहीं किया। आप पहले अपने नगर निगम को सर्वेक्षण को ठीक कर लो, उसके बाद आप उंगली उठाना। आज हमारी कमियों को हम छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.